जितना भी वोट है पीटीआई, बाकी सब चोर है। वोट शेर का है और हमेशा रहेगा। हाँ जा सको मुतमिन, हम स्पेशल वोट कास्ट करने आए हैं सऊदी से 804 के लिए। मियां नवाज शरीफ साहब पे हमारा इत्मीनान है, वो एक अच्छे लीडर हैं। वोट सिर्फ इमरान खान का है। नवाज शरीफ था उस वक्त जो है ना, महंगाई भी काम थी। आसिफ साहब को सियालकोट में बहुत काम किया उसने। माहौल साफ है, सब कुछ है, ना चोरी है ना डाका है, सब कुछ इंशाल्लाह पंजाब में ठीक है। पंजाब में मैं खुश हूँ और KPK में इमरान खान ने हुकूमत की है, सारा बेड़ा गर्क किया है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं शहर इकबाल में, सियालकोट में, जहाँ पे NA 71 में मुकाबला होने जा रहा है कौमी असम्बली की नशिस्त के ऊपर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का, जबकि दूसरी जानब उनके मद्द मुकाबिल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार रेहाना डार। यहाँ हल्के की आवाम से पूछते हैं, पब्लिक ओपिनियन लेते हैं कि वो वोट किसको करेंगे और किस बुनियाद पे करना चाह रहे हैं। जी वोट किसका, नून या जुनून? वोट शेर का है और हमेशा रहेगा। वजह क्योंकि इसने हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं। शेर ने मोटरवे बनाई है, सारा कुछ इसने किया शेर ने। उसने क्या किया इमरान खान ने? कुछ नहीं किया हमारे। शेर ने क्या किया कोई बताते हैं ज़रा? उसने हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे सहूलियत दी हैं हमारे लिए, और लैपटॉप दिए हैं शहबाज शरीफ ने बच्चों को, तो इन्होंने कुछ नहीं किया। बच्चों को मोबाइल दिए हैं, बच्चों को दूसरे ये काम किए हैं। एक बार फिर शेर, वोट शेर का है और हमेशा रहेगा। शेर वोट शेर का जी, हमेशा रहेगा जी। आप बताइए जी। जिंदाबाद। जी सर। सर वोट सिर्फ इमरान खान का है। इमरान खान का इसलिए क्योंकि उसने आपकी पॉकेट में भी 10 लाख डाल दिया, मेरी में भी, इनकी भी, इनके भी। मुझे, मेरा बच्चा बीमार होता है, मुझे ये फिक्र नहीं, अच्छे हॉस्पिटल में जाके जिस तरह वो प्राइवेटली ट्रीट होता है उसी तरह मेरा बच्चा भी ट्रीट होता है। उसने मेरे हजूर के नाम के साथ इया का नाबदो वैया का नस्ताइन, उसने हतम नबूवत लिखना लाजमी करार दे दिया, पहले कहीं नहीं लिखा होता था। उसने सिंगल करिकुलम कर दिया है कि अमीर का बच्चा भी वही पढ़ेगा, गरीब का बच्चा भी। जी जी जी। वोट खान का। जी सर आप बताएं। ये वोट इमरान खान का। वोट इमरान खान का। वोट इमरान खान का। वोट जाने हमारी। जी वोट किसका? शेर का। शेर का जी। क्यों इतनी मोहब्बत क्यों है शेर से? कारकर्दगी की वजह से। कुछ बताते हैं काम? काम आपके सामने है, काम इस मुल्क में और किसने किए हैं? यहाँ को बताओ ना कोई और काम। शेर का ये वोट कारकर्दगी की बेस पे ये। ख्वाजा साहब का। ख्वाजा साहब का। जी जी आप बताएं। आई लव इमरान खान। इनकी मोहब्बत इमरान खान। जी बिल्कुल इमरान खान भाई, इमरान खान। जी वोट किसका जी? PTI, ओनली PTI। क्यों? वो अच्छा लीडर है। कारकर्दगी बताइएगा। सेहत कार्ड है, किसी और ने बनवाया? कैंसर अस्पताल, ये पूछने वाली बात नहीं जो आप पूछ रहे हैं। सिर्फ जितना भी वोट है PTI, बाकी सब चोर है, सब चोर है। PTI। वोट किसका जी? इमरान खान को। इमरान खान का। हाँ जी। वो इतनी मोहब्बत क्यों है? वही है जो बोलना सिखा गया आवाम को। वही है जो बोलना सिखा गया आवाम को। आइए जी और लोगों से बात करते हैं। वोट किसका? नून लीग। नून लीग का इंशाल्लाह। क्यों? बस नून लीग, शुरू से नून लीग। कारकर्दगी की बुनियाद पे या मोहब्बत है? नहीं नहीं, मोहब्बत भी है, कारकर्दगी भी है इंशाल्लाह। जी आपका वोट? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब को। जी जी। ये आपका बेटा है? जी बेटा है। आप समझते हैं नवाज शरीफ इक्तदार में आके इनका मुस्तकबिल संवार देंगे? जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत अच्छे काम किए नवाज शरीफ ने और हाजा साहब ने, बहुत अच्छे काम किए हैं। यहाँ आपके हल्के में मुतमिन है, कोई मसला भी नहीं है? मुतमिन है, मुतमिन है, मुतमिन है हम, हाजा साहब को मुतमिन हम। वोट किसका? मेरा वोट इमरान खान का है। जी। वो इसलिए है कि उसने एक काम बहुत अच्छा किया है, वो जो वो आईडी कार्ड का जो बनाया ना उसने इलाज के लिए, वो मैं कैंसर का मरीज हूँ, हम गरीब लोग हम कैसे पैसे कर सकते हैं, उसके कार्ड के से मेरा इलाज हुआ है, आज मुमकिन हो सका है, जो मैं घूम रहा हूँ उसकी वजह से जिंदा हूँ मैं। उसने एक बहुत अच्छा काम किया है बस। मैं स्पेशल वोट कास्ट करने आया हूँ सऊदी से 804 के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए। जी जी। किसको? 804 को, खान साहब को सपोर्ट करने के लिए इंशाल्लाह। वोट किसका? नून का जनून का? नून का जी। नून का वोट नून है का। क्यों? कोई मोहब्बत है क्या? है मोहब्बत तो सबसे ही है, मुसलमान है, मुसलमान जो है मुसलमान से मोहब्बत करेगा तो रब रहमत करेगा। तो नून लीग से मुतमईन है आप? हाँ जी बिल्कुल। आज आसिफ साहब ने काम करवाए यहाँ पे? हाँ जी करवाए हैं, क्यों नहीं जी। वोट किसका? नून का जुनून का? नून का। नून का। क्या वजह है? क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब पे हमारा इत्मीनान है, वो एक अच्छे लीडर हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने हल्के में काम करवाए? काम करवाए हैं और बड़े अच्छे सियासतदान हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत काम करवाए। हल्के के दुख सुख में ख्वाजा साहब आते हैं? 100% आते हैं, वो हर संडे को मिलते हैं लोगों को यहाँ पे, मसले मसाइल सुनते हैं सबके। जी सबके सुनते हैं। ये आपका वोट? नून लीग। नून लीग जी। हाँ जी जी। वोट किसका? नून का जुनून का?
वोट नून का। नून का, नून का क्यों? शेर शेर ही है। किस बुनियाद पे शेर? इस बुनियाद पे शेर है कि जब नवाज शरीफ था उस वक़्त जो है ना महंगाई भी कम थी और बेरोज़गारी भी नहीं थी, तो जब से नवाज शरीफ गया है और मुल्क का कुछ भी नहीं रहा। इमरान खान आया था, सोचा था कि अच्छा आदमी आया, चलो कुछ सोचेगा, मुल्क के लिए कुछ सोचा नहीं है, कुछ बनाया नहीं है। जब भी आया इमरान खान, जब से आया था ना, मुल्क का कुछ ना तो कुछ सोच रहा था ना कुछ बना रहा था। अवाम को बेरोज़गारी, महंगाई, हर चीज़ में, पेट्रोल में, हर चीज़ में कमी है। जब से वो आया था कुछ भी नहीं था, और नवाज शरीफ के वक़्त पे महंगाई भी कम थी, पेट्रोल भी ठीक था, हर रोज़गार भी ठीक था। और उसके वक़्त पे कोई बंदा ये नहीं था कहता मैंने खाना नहीं खाया, मुझे रोज़ी नहीं मिली आज, या मैंने काम नहीं किया। गुर्बत नहीं थी उसके वक़्त में, कारोबार थे। तो आप ख्वाजा साहब से मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा आसिफ साहब दुख सुख में शरीक होते हैं लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं, क्योंकि हमारे इलाके में आए हैं, वो दो तीन दिन आते रहे हैं और हम के साथ बैठे हैं, हमारे साथ बैठे हैं, हमारे मेंबरों के साथ, काउंसलरों के साथ, हमारे महल्लेदारों के साथ। उन्होंने तावन किया हमेशा ही, हमेशा उन्होंने तावन किया और अच्छा भरपूर तावन किया है, और आने वाले वक्त पे अल्हम्दुलिल्लाह वो तावन ही करें। जी बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वोट किसका? नून का जी। नून का जी, नून से इतनी मोहब्बत क्यों? शुरू से नून से मोहब्बत है जी। काम करते हैं वो? हाँ जी काम। ख्वाजा आसिफ साहब दुख सुख में शरीक होते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। वोट नून का जुनून का? नून का। नून का जी, नून से इतनी मोहब्बत? वो काम अच्छे कर गए हैं पहले और अभी ख्वाजा साहब से मुतमईन है? हाँ मुतमईन। ख्वाजा आसिफ साहब दुख सुख में शरीक होते हैं? हाँ होते हैं जी। हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि वोट नून का जुनून का? नून का। नून का, नून से इतनी मोहब्बत है? हमारे शुरू से ही जो है ना, वाले साहब से लेके सब पुराने जितने भी आबाओ अजदाद वो सारी शेर के हैं और वोट शेर का ही इंशाअल्लाह। कारकर्दगी भी है या बस मोहब्बतें गूढ़ियाँ पीछे चल दी आ रही? शुरू से मोहब्बतें हैं और कारकर्दगी भी अच्छी है। ख्वाजा आसिफ साहब से मुतमईन है आप? हाँ जी सर बहुत मुतमईन है। कहवा पिया जा रहा है जी, इनसे भी पता करते हैं वोट किसका, मुस्लिम लीग नून का या किसी और का? मुस्लिम लीग नून का। मुस्लिम लीग नून का। ख्वाजा आसिफ साहब को? ख्वाजा आसिफ साहब का। जी भाई। ख्वाजा साहब से मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन हूँ। उन्होंने काम किए हैं? बहुत किया है, सियालकोट में बहुत काम किया है उसने, उसके अलावा किसी और ने काम नहीं किया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वोट किसका जी? वोट पीपल पार्टी का। पीपल्स पार्टी का। आप पीपल्स पार्टी से मुतमईन? जी बिल्कुल मुतमईन है सर। वोट किसका जी? पीटीआई। वोट किनू दोगे? वोट नवाज शरीफ। नवाज शरीफ नू? क्यों मोहब्बत है नवाज शरीफ ना? जी काम करता है। काम करते ने जी? हाँ जी। सियालकोट च ख्वाजा आसिफ साहब तो मुतमईन? जी बिल्कुल। हल्के च काम करते ने? जी। ख्वाजा साहब दुख सुख शरीक होंगे ने? इंशाल्लाह ताला साडे पुराने यार दोस्त ने महल्लेदार ने। अच्छा जी। हाँ। वोट नवाज शरीफ का? नवाज शरीफ का। ये हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं जी, इनसे बात करते हैं, ये किसको वोट देंगे? शेर को। शेर को देंगे? शेर से इतनी मोहब्बत क्यों है? दिल से मोहब्बत है जनाब। दिल से मोहब्बत है। काम करते हैं? हाँ जी। ख्वाजा आसिफ साहब आपके काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं जी। आपका वोट? आपका वोट शेर का। शेर का। ये वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब को। इतनी मोहब्बत क्यों है नवाज शरीफ साहब से? इसलिए को वो अच्छे काम करता है। काम करवाएं? करवाएं या काम। ख्वाजा आसिफ साहब से मुतमईन है आप? बिल्कुल जी। हल्के के लोगों से मिलते हैं? मिलते हैं जी। जो काम नहीं होता कोई भी नहीं करता, वो हमारा काम कर देते हैं। तो नवाज शरीफ साहब से क्या उम्मीदें आपको? इंशाल्लाह कामयाब होगा। वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब को? हाँ जी। क्यों? कारकर्दगी बहुत अच्छी है। हाँ जी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। आप मुतमईन हैं? हाँ जी। उनके ज़माने में महंगाई कम थी ज़्यादा थी? वो घट थी। घट सी? हाँ जी। हूँ महंगाई बहुत है? महंगाई बहुत है। तो नवाज शरीफ महंगाई कम करेगा? हाँ जी कम करेगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वोट किसका जी? नवाज शरीफ का। और किसका? नवाज शरीफ साहब का जी। किस बुनियाद पे जी? किस बुनियाद पे? देखें हाँ बिल्कुल कारकर्दगी है, मोटरवे उन्होंने बनाई है और लोड शेडिंग से निजात उन्होंने दिलाई है, हाँ इसलिए जो ना उनका है। ख्वाजा आसिफ साहब से मुतमईन है? हाँ मुतमईन है हम। वोट किसको डालेंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ से इतनी मोहब्बत क्यों है? वो अच्छे काम करते हैं। अच्छे काम करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। आप मुतमईन हैं? हाँ जी। ख्वाजा आसिफ साहब से मुतमईन हैं? हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। सियालकोट को नया सियालकोट बनाया? हाँ जिंदाबाद। ख्वाजा साहब जिंदाबाद। किसको देंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब को वोट देंगे इंशाल्लाह। क्यों?
बस उसने मुल्क में काम किया है। हम तो पठान हैं, पठानों से आए हैं क्योंकि पेशावर के रहने वाले। वो पता चलता है इधर नवाज शरीफ ने काम किया पंजाब में भी, केपीके में तो इमरान खान की हुकूमत है, इधर काम किया। अगर केपीके में 10 साल इमरान की हुकूमत रही है, वहाँ पे कोई कारकर्दगी नहीं है, कोई काम नहीं करवाया। आप पंजाब में आते हैं तो आपको तरक्की नज़र आती है? बिल्कुल, नवाज शरीफ के इधर तरक्की है। हम ड्यूटी के लिए इधर आए हैं, वो तरक्की है, सब कुछ माहौल साफ है, सब कुछ है, ना चोरी है ना डाका है, सब कुछ इंशाल्लाह पंजाब में ठीक है। पंजाब में मैं खुश हूँ। और केपीके में इमरान खान ने हुकूमत की है, सारा बेड़ा गर्क किया है। केपीके में भी नवाज शरीफ को हुकूमत मिल जाएगा, पंजाब से भी अच्छा बनाएगा इंशाल्लाह। पंजाब से भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे नवाज शरीफ साहब? क्योंकि सर, क्योंकि इसलिए करेगा कि उसका 14 साल से इमरान खान ने उसका खून चूस चूस के खा लिया, पी लिया है। इसलिए इसके बावजूद हम नवाज शरीफ इसके जवाब देगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो पंजाब से भी बेहतर बनाएगा जी। वोट किसको देंगे? शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ साहब को देंगे, यहाँ से ख्वाजा आसिफ साहब हैं, यानी ख्वाजा साहब को देंगे। ख्वाजा साहब को जी जी। वोट किसका? वोट मियाँ साहब का। मियाँ साहब का? बड़े मुतमिन हो के आपने कहा, क्यों? अल सियालकोट तो सारी टप टल देख रहे लग रही है, मियाँ साहब के काम ने काम करवाए सारे? मियाँ साहब ने सारे काम करवाए हैं। मियाँ साडा लीडर है, मियाँ साडा जानू है बस जी। वोट किनू दोगे? तुम किनू दोगे? असी तो जरूर ही दी, तुम अपनी राय दो। असी उन्होंने देंगे जिससे पर्चा होंगे। जिससे पर्चा होंगे। वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को क्यों देंगे? उसके होते हुए महंगाई नहीं थी है इतनी जी। आज हमने NA 71 सियालकोट का सर्वे किया, यहाँ लोगों की राय ली कि वो किसको वोट करना चाहते हैं। लोगों की राय आप तक पहुँच चुकी होगी, लेकिन एक मसला जो सब ने बयान किया वो ये था कि मुल्क के अंदर महंगाई बहुत है। जो भी हुक्मरान जीत के आए उससे सबसे पहले लोगों को यही तवक्कोआत होंगी कि वो महंगाई को कम करे और जो तरक्की के सम्राट हैं वो निचली सतह तक लोगों तक पहुँचाए।